जुड़ जाएगी, अम्मा हम तोरे को बता रहे हैं, तुहार बेटी की शादी ब्याह ना जल्दी से जल्दी कर दो, अभी भी लड़की तुहार हाथ में है, अभिनेताओं की चुटकी ले रही है, कल को कुछ और बड़ा कांड कर देगी, का करे फिर बताओ, कौन करेगा उससे शादी? ये बात जरा सुन लो, इस गांव में तो उस छोरी ना ही करो, गांव के बाहर कर दो। हम भी यही सोच रहे बा। वैसे अगर मतलब बुरा ना माने तो एक बात आपसे पूछेगा, मतलब हम जुड़िया के लिए कोई रिश्ता देखेगा? देखो देखो, कोई जो मिलता है वो पर अच्छा होना चाहिए, खानदान बांधा सब अच्छा होना चाहिए। हाँ देखो देखो, कितना सोचती हो टुनटुनिया तुम हमारी बेटी के बारे में। अरे इसमें आभार वाली कौन सी बात है, अब रजुड़िया जैसी आपकी बेटी है वैसी हमारी भी बेटी है, पूरे गांव की बेटी है, अगर कल को उसने गांव में कुछ कांड कर दिया तो कहाँ रह जाएगा उसका, कौन करेगा उससे शादी? अब हमारे दिमाग में ना दो ठो लड़के है, मतलब दूर जिले के है, पर दोनों हमारे बुआ के बेटे, इतना अच्छा खानदान है उनका, अब का बोले, इतनी जमीन जायदाद, 14 बैल है उनके, 40 भैंसे, 12 गाय, 200-150 बकरियां, और का चाहिए? हम तो बोल रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं तनिक, फिर आपको बता देते हैं उनका क्या ख्याल है, हम रज्जू के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताएंगे, अब वो थोड़ी आएंगे यहाँ पे देखने के लिए, हम ही जाएंगे उनके पास, हम बात करते हैं हमारी बुआ से। अगर भगवान के मन में हुआ तो इसी साल आपकी रज्जू की शादी का बार बना देंगे। ओ टुनटुन चाची, आपके दिमाग में एक बात घुसा लीजिए, हम शादी ना ही करने वाले। हाय भैया। ए रगड़िया, तोरे का शादी ब्याह नहीं करना का, पूरा जिंदगी के मायके में रहना है का तोरे को? हाँ रहेंगे हम यहीं पे, हमारा घर ही है, और वैसे भी हमने सुना था जब आपकी शादी हुई थी तो शादी के 2 महीने बाद अब मायके भाग आई थी। ईबा रज्जू की अम्मा, ये का संस्कार दिया आपकी बेटी को, हाँ ऐसा बोलती है का, हाँ हमने तो पूरी इज्जत निकाल दी। अरे उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, सारी सारी माफ कर दो टुनटुन। नहीं नहीं, अब हमको त्योहार और त्योहार बेटी की बिल्कुल माफी नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, अब मन करने के लिए हमको यहाँ पे बिठाएगा? हम तोहर अच्छा करना चाहते थे, तोहर बेटी का अच्छा करना चाहते थे, पर नहीं, इसका मतलब गुण ही नहीं है इसमें, ये तो गुण ही नहीं है आपकी बेटी, तोहर बेटी तोहर को मुबारक, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करूं, क्या करूं मैं तोरा? आप कुछ नहीं करो अम्मा, हमको शादी नहीं करनी है, हमारा ही नसीब फूटा है जो ऐसे बेटे आए, कुछ भी नहीं सुनती हम जी, खुद की करती है, कर खुद की कर, कुछ राय बोलेंगे आप? अरे तुम दनिक साथ बैठो, हम रजुड़िया से बात करते हैं। करो करो, जाओ अपनी लाड़ी से बात करो, देखते हैं ना हम भी आपकी सुनती है का नहीं, हमरी तो नहीं सुनती कुछ भी। बाऊजी हम आपसे कह रहे हैं शादी बादी हम ना ही करेंगे। देखो देखो, अरे तुम दनिक साथ बैठो ना, हम बात कर रहे हैं उससे, बीच में अपनी बात घुसाती हो, 5 मिनट जरा शांत नहीं बैठ सकती का तुम? रज्जो रज्जो बात सुनो हमरी ठीक से, हम तोहरे को यही नहीं कह रहे कि तुम कल शादी करके हमरे घर से चले जाओ, हाँ बस अभी ये देखो, अभी तोहरे को कोई जबरदस्ती भी नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे कि एक दो लड़की देख लो ना, हाँ इसमें क्या जाता है देखने में, सिर्फ हम थोड़े बोल रहे कि एक बार देखा तो जल्दी से शादी कर देंगे, हाँ ऐसा बोलेगा हम? तोहरे को अगर लड़का पसंद आता है, उसका घरदार पसंद आता है, सब कुछ पसंद आता है, तो फिर तेरे ऊपर है सारा, हम तो तेरे को जबरदस्ती ना ही कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक बा, हम देखेंगे एक दो लड़के। ये हुई ना बात, अभी हम बात करके आते हैं ठीक बा? अम्मा इतना खुश ना ही हो, हम सिर्फ देखेंगे, शादी के लिए थोड़ी हाँ किया है हमने अभी, अरे कभी तो अच्छा बोल लिया कर। कहा करो पता नहीं इसका, मैं इतनी बेइज्जत तो हमारी किसी ने भी ना ही की, इतना गुस्सा आ रहा है। अरे नेता जी हम ऐसी खबर लाए ना कि तुम्हारा दिल दिमाग एकदम तान 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 करने लगेगा। कहा अरे कौन से ऐसी खबर लाए थे?
वो लड़की ना आई जिसने आपकी बेइज्जती की थी। नाम मत ले उसका, ना गुस्सा आता है उसका नाम लेते। अरे तनिक बात तो सुनिए पूरी। चल बोल जल्दी। उस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे उसके घर वाले, ऐसा मुझे मेरे दूर के खबरी ने बताया। अरे कौन देगा उसे लड़का, हम क्या करें उसका। अरे नेताजी थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, वैसे भी आप समझदार हैं, हाँ समझ जाएंगे। आ गई। अरे हम मेरी समझ में आ गई बात। अब देख तू हम क्या करते हैं।